गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आदित्य शर्मा और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी आधे घंटे पहले मैं उठा हूं और आज मैंने सोचा था कि तरुण और मैं कहीं जाएंगे और तरुण के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तरुण ने भी नहा लिया है और ये आ गया। तरुण कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? ये सरप्राइज है तेरे लिए। हाँ सरप्राइज है। सोच हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे घर के पास कौन सी जगह है? पार्क। पार्क भी है लेकिन कौन सी जगह है जो देखने लायक है? रोड। नहीं वो तेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, खास तेरे लिए ही बनी है। ऐसी कौन सी जगह है गाइस, मेरे को कमेंट करके बताना जल्दी। लेकिन आपको पता ही है मेरे को सरप्राइज कितना अच्छा लगता है, तो जल्दी चलते हैं। हाँ सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बोलनी थी कि अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम निकलते अपने घर से। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं। अरे गाइस मेरे को पता नहीं है लेकिन ये कहाँ ले जा रहे हैं, हम देखते हैं। हाँ वो एक चीज़ कहनी थी कि इसके लिए वो बहुत बढ़िया चीज़ है, जहाँ पे मैं इसे ले जा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया चीज़ है इसके लिए। अगर ये उस चीज़ को देख लेगा तो कहेगा बहुत बढ़िया सरप्राइज है। बस थोड़ा बेकार ना हो। इसके लिए तो बेकार ही है, बहुत बेकार है इसके लिए, लेकिन मैं इसको सरप्राइज दे रहा हूँ, ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। देखते हैं गाइस। सो गाइस हम मिलेंगे उस। सो गाइस मैं अच्छे से रोड क्रॉस कर लेता हूँ। रोड क्रॉसिंग करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी रोड क्रॉसिंग गाइस, बहुत तेज रोड बहुत तेज। सो गाइस हमने रोड क्रॉस कर लिया है और हम आ गए हैं फुटपाथ पे और हम चल रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि इसके लिए सरप्राइज़ क्या होगा, ये बस यही सोचता जा रहा है कि मेरा सरप्राइज़ क्या होगा। हाँ तू कुछ कह रहा था गाइस। गाइस ये मेरे को लग रहा है, क्या है यार कहाँ जाना है, नहीं आ रहा। बस आने वाला है और पोस्टर भी मस्त है उसमें। ए भाई कहाँ ले जाने जा रहा है? कहाँ? बस पास में ही है। चलो देखते हैं। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं। म्यूजियम देखना है। सो गाइस इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि याद नहीं आ रहा है क्या, इसको याद नहीं आ रहा होगा लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और इसको एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। आप एक बार ये जगह दिखा दे, कितनी अच्छी है भाई। हाँ ये जगह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये पूरी एक जगह है जो आपको अच्छी लगेगी और बहुत। अंदर भी अच्छा लग रहा है। अंदर ये देखो ये टॉयलेट म्यूजियम है गाइस। सोचा आपने मैं इसको टॉयलेट म्यूजियम में लेके आया हूँ। ये देखो इधर हर तरीके के टॉयलेट्स दिखाए हुए हैं। ये देखो शौचालय।
एक्साइटमेंट हो रही है। सो गाइज, ये बेसिकली इसीलिए बनाया हुआ है ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जो पुराने टाइम के टॉयलेट्स थे और जो अभी के टॉयलेट्स हैं, तो उसमें क्या इवोल्यूशन आया है। तो गाइज, वो उन्होंने अभी बुलाया है, तो उधर जा रहे हैं, शायद वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। We have brought you to Madhusudan Garden, a small village in West Bengal. You can see for yourself how poor villagers are afflicted with arsenicosis, caused by contamination of groundwater with arsenic. In late 70s, arsenic was found in the water of West Bengal. But finally, it was detected in 1982-83. Then the government started its endeavor how to purify the water. Initially, again, the skin is just similar to skin disease like black pigmentation. But then, if you continue to drink it for longer period, sometimes people drink it for 5 years, 10 years. And it was agreed that on a pilot basis, do some trials, and we have done, and we have done successfully. Surat Safe Drinking Water Project was set up in 2014 on Dr. Bartok's initiative, and the caravan is still chugging along. The Surat water system is easy to install and is a low-cost water technology. The first such plant was set up in Madhusudan Ghati, where pot water was converted into potable water. The process involves pumping the pond water into a 5,000 liter capacity tank to eliminate the smallest of particles from going through. The first membrane is usually of 16 microns, with subsequent membranes of 10, 5, and 1 micron. In the end, the water is passed through ultraviolet rays to kill microbes that might have survived the filtration process. The solar water. सो गाइस, मैंने ये वाली जगह तो बहुत जल्दी देख ली, मतलब मज़ा आया बहुत ज़्यादा। आपको ये थोड़े थोड़े सीन दिखलाए हैं, और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आपने देख ही लिया है। और गाइस अब जा रहे हैं इस वाले गेट की तरफ, तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखलाता हूँ, ये पेंटिंग आप देख ही सकते हो। और अभी मेरा भाई यहाँ पर ये देखो ये कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर अपना फोन डालना पड़ता है, डेट, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब डालना पड़ता है। और हाँ गाइस, यहाँ पर ये भी लिखना होता है कि आपको कैसा अच्छा, मतलब अच्छा लगा कि नहीं म्यूज़ियम। और हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इंडियन फ्लैग हैं, लेकिन असली फ्लैग तो यहाँ पर है, यहाँ पर पाकिस्तान सब देश का है। सो गाइस, यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें दिखा रखी हैं, जैसे एशियंट से लेके और इवोल्यूशन से लेके। यहाँ पे कई फनी चीजें भी दिखा रखी हैं, जैसे ये देखो, ये एक एलिफेंट दिखा रखा है कार्टून टाइप से, हैविंग टॉक्ड एलिफेंट टू पेंट और डांस एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देयर थाई। एंड ये जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं, ये कार्टून टाइप से है। और ये देख सकते हैं गाइस, भाई और ये देखो, ये भाई बहुत अच्छा, ये कार्टून टाइप है। और भाई एक बार इधर आओ, इधर आओ भाई, ये आपको क्या लग रहा है सच बताना। और भाई ये भी देख सकते हो, ये भी टॉयलेट है जिसमें ये पहले टिश्यू पेपर यूज करते थे, ये भाई मैं तो नहीं आप लगाने वाला। वैसे गाइस, यहाँ पे जो भी टॉयलेट्स रखे हुए हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं हाथ नहीं लगाने वाला, ये सारे फ्रेश टॉयलेट्स हैं। और इसमें
ये सिर्फ शोपीस है। और हाँ, इसका छोटा मॉडल भी है, मतलब मैंने पहले जगह नहीं देखी, लेकिन अभी मैं जब देखने लग गया तो मज़ा आया मेरे को। ये देखो तो इसका एक छोटा मॉडल है, मज़ा आ गया। कैसा लगा तेरे को सरप्राइज? मज़ा आ गया, ऐसी ठंडी ठंडी आ गई। चल यहीं पे कर ले, कहीं तू अभी घर से करके नहीं आया, अबे कर ले। ये दो गाइस, ये है टेंट वाला टॉयलेट। अबे टेंट वाला टॉयलेट नहीं है ये, कैंट मतलब नहीं पिकनिक। अबे ये कैंप वाला है। हाँ वो सॉरी कैंप, कैंप अगर हम कहीं माउंटेन्स वगैरह में कैंप कैंपिंग करने जाते हैं तो उसके लिए ये टॉयलेट्स हैं। कैंप के अंदर हम टॉयलेट्स रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एसी चल रखा है, फुल स्पीड में चला रखा है। यहाँ पे कई सारे शोपीस दे रखे हैं टॉयलेट्स के, और बहुत सारे फनी फनी टाइप्स हैं। देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा कि दिख जाए। हाथ ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये पूरा एक मॉडल बना रखा है। इसके अंदर पूरा टॉयलेट है और ये खड़ा हो रखा है। तेरे को लगी है क्या? अंदर चले जा। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसे हम पढ़ सकते हैं, और जिससे हम टॉयलेट्स वगैरह के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी भी गांव में कई सारे एरियाज हैं जिसमें हम ऐसा ही करते हैं, बोतल लेके जाते हैं। और लेकिन अब कई सारे एरियाज हैं जिनमें बन चुके हैं टॉयलेट्स। इनको ये सर्टिफाइड है बाय हिस्ट्री टीवी 18 के द्वारा, और OMG ये मेरा इंडिया के द्वारा। ये यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हो। ये देखिए, ये कुछ मॉडल्स हैं, इन्होंने बना रखे हैं शोपीस के लिए। और यहाँ पे अगर आराम से एक घंटा रुका जाए तो हम सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे अपने माइंड में। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, आप बताना आपको कैसा लगा। हाँ आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ये एक बहुत बेहतरीन जगह है आपके लिए, या फिर आपको आपके फैमिली मेम्बर को आना है तो उनके लिए ज़रूर आइएगा इधर। और आज की वीडियो में इतना ही, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, यहाँ से आउट होंगे। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ।